रहा हमारा नया वाला ब्लीडर नट, जैसे कि देख सकते हो आप कितना ज्यादा डिफरेंट है ये। फाइनली दिस इज अवर न्यू ब्लीडर नट एंड ये मुझे पड़ा है अराउंड 2 जिसकी वजह से हमारा फ्रंट वाला जो डिस्क ब्रेक है वो स्पॉन्जी हो चुका है। एज वी ऑल नो ब्रेकिंग इज द मोस्ट एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर मोटरसाइकिल, सो इम्प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम लीड्स टू क्रैशेस एंड एक्सीडेंट। सो इसके प्रॉपरली टाइम टू टाइम सर्विस करना ज़रूरी होता है। सो बहुत टाइम से मैंने इसका ऑयल भी चेंज नहीं किया है एंड ब्लीडर नट भी ख़राब हो चुका है। सो आज के ब्लॉग में हम ब्लीडर नट कैसे आप घर पर ही चेंज कर सकते हो वो बताने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून टिल द एंड एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग एंड मॉडिफिकेशन वाली वीडियोस मिलती रहे। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा रश लग चुका है, ये जाम है, तो इस पर मैंने थोड़ा WD-40 अप्लाई किया है ताकि ये फ्री हो जाए एंड ईजिली ओपन कर सके। एंड इसका रबर भी ख़राब हो चुका है यहाँ से, तो इसको जस्ट सिंपली प्लग आउट करना है एंड जो हमारा नया वाला ब्लीडर नट है उसको यहाँ पर रीइंस्टॉल करेंगे एंड वील चेक फॉर द डिस्क पैड्स, इफ दे आर वॉर्न आउट वी विल रिप्लेस दैट ऑल्सो। फाइनली दिस इज अवर न्यू ब्लीडर नट विथ रबर कैप एंड ये मुझे पड़ा है अराउंड 25 रुपीज का। सो इन ऑर्डर टू ओपन इस ब्लीडर नट हमें 11mm का स्पैनर यूज़ करना पड़ेगा। आप यहाँ पर रिंग स्पैनर भी यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पर रैचेट यूज़ कर रहा हूँ ताकि इससे ईजिली ओपन हो जाए। एंड ये सिंपली आफ्टर अप्लाइंग WD-40 ये इजली बाहर आ रहा है। ये देख सकते हो अब इसके ऊपर कितना ज़्यादा रस लग चुका है एंड ये टोटली वॉर्न आउट हो चुका है, इसके होल्स भी बंद हो चुके हैं एंड यहाँ पर भी देख सकते हो अब कितना ज़्यादा रस है। तो इसको पहले प्रॉपरली क्लीन करेंगे अच्छे से, इसके बाद जो हमारा नया ब्लीडर नट है उसको इंस्टॉल करेंगे। न्यू ब्लीडर नट रहा हमारा नया वाला ब्लीडर नट, जैसे कि देख सकते हो आप कितना ज़्यादा डिफरेंट है, ये टोटली वॉर्न आउट हो चुका है, इसके थ्रेड्स भी चले गए हैं एंड इसका होल देख सकते हो आप, यहाँ पर इसका होल भी नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से हमारी ब्रेकिंग सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था, स्पॉन्जी हो चुका था ब्रेक ज़्यादा। सो इसको जल्दी से रिप्लेस करेंगे। तो जैसे कि देख सकते हो मैंने इसको अच्छे से थोड़ा सा साफ कर लिया है, जो भी अंदर ज़्यादा डट है वो उसको क्लीन नहीं कर सकते हम। सो मैंने इसके ऊपर भी WD-40 अप्लाई किया है एंड प्रॉब्लीबली ये अच्छी तरीके से साफ हो चुका है एंड जो हमारा नया ब्लीडर नट है इसको भी हम इंस्टॉल करेंगे। फाइनली हमारा ब्लीडर नट प्रॉपरली टाइट हो चुका है एंड अभी हम ब्रेक को प्रेस कर चेक करेंगे। तो ये टोटली स्पॉन्ज हो चुका है, तो इसको हम पंप करेंगे ताकि इसमें अच्छे से एयर पास हो गए एंड इसके बाद इसमें हम हमारा नया वाला ब्रेक फ्लूइड रिफिल करेंगे। इस बार मास्टर सिलेंडर इसको दो स्क्रू से यहाँ से ओपन करेंगे एंड इसके अंदर हमारा जो ऑयल है उसको रिफिल करेंगे। सो जैसे कि आप सभी देख सकते हो ये मैंने रबर रिमूव किया एंड जैसे कि देख सकते हो ये ऑयल बहुत ही ज़्यादा डर्टी हो चुका है एंड इसकी विस्कोसिटी बहुत ही ज़्यादा थिक हो चुका है ऑयल एंड इसमें बहुत ही ज़्यादा डर्ट है।
तो पहले तो ये ऑयल को हम निकाल लेंगे, उसके बाद इस कंटेनर को प्रॉपरली क्लीन करेंगे। एंड जैसे कि देख सकते हो इसके अंदर स्लज कितना जमा हो चुका है ऑयल का, तो इसको प्रॉपरली क्लीन करेंगे एंड न्यू ऑयल रिफिल करेंगे। आफ्टर ब्लीडिंग ऑयल फ्रॉम द ब्लीडर, अभी ब्रेक प्रॉपरली वर्क कर रहा है एंड ये जो वाला प्रोसेस है अभी आपको जैसे देखा था, पहले हमारा जो ब्रेक लीवर है उसको पूरा प्रेस करना पड़ेगा एंड यहाँ से ब्लीडर नट ओपन कर जितना भी एयर है इससे बाहर आ जाएगा एंड आफ्टर दैट यू हैव टू रिलीज द लीवर एंड टाइट द ब्लीडर नट ताकि आपका जो एयर है सिस्टम में वो पूरा बाहर आ जाए एंड इट्स वर्किंग प्रॉपरली नाउ। तो अभी थोड़ा सा ऑयल रिफिल कर इसको टाइट कर देंगे। तो अभी हम हमारे डिस्पैच चेंज करेंगे, अगर उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ी तो चेंज करेंगे। फर्स्ट तो इसको कैलिपर को ओपन करेंगे ताकि हम डिस्पैच की कंडीशन देख सकें। तो ये सारे डर्टी हो चुके हैं एंड इसके ऊपर रस्ट भी लग चुका है, सो इसको प्रॉपरली क्लीन करेंगे एंड रगमार पेपर से सैंड करेंगे ताकि ये प्रॉपरली यूजेबल हो जाए एंड इसके ऊपर डिस्पैच और थोड़े टाइम चला सकते हैं इसको। सो इसको पहले क्लीन करेंगे। तो डर्ट को मैंने अच्छे से शार्प स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से क्लीन कर लिया एंड इसको रगमार से सैंड करेंगे। तो ये प्रॉपरली क्लीन हो चुके हैं, हम इसको कैलिपर में वापस से इंस्टॉल करेंगे। सो फाइनली हमारा जो ब्रेकिंग सिस्टम है प्रॉपरली एंड परफेक्टली वर्क कर रहा है। सो मैंने अभी डिस्पैच चेंज नहीं किया ताकि उसकी लाइफ थोड़ा और चल सकती है। सो दिस इज हाउ यू कैन रिसॉल्व योर ब्रेकिंग प्रॉब्लम एंड रिप्लेस योर ब्लीडर नट एट योर होम। एंड अभी ब्रेकिंग सिस्टम परफेक्टली काम कर रहा है एंड ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू दिस ब्लॉग, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग एंड मॉडिफाइंग ब्लॉग के साथ। सो स्टे ट्यून्ड and till then ride with fun and with all safety gears.